हेलो हाय, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। और बस दिल चाह रहा था आप लोगों से कुछ बातें करने के लिए। एक्चुअली फिर कुछ सवालात थे मेरे, मुझे आए तो पूछा गया है। जो मैंने अभी रिग्रेशंस की जो वीडियो डाली है उसके बारे में कि ये क्या है तो ऑफ कोर्स जब पता नहीं हो तो ऐसा ही होता है। अंदाजा भी नहीं है कि मैंने ये क्या चीज़ की। एक्चुअली ये रिग्रेशन जो है आपको बिल्कुल जैसे ऐसी पोजीशन में है कि आप कॉन्शियस भी होते हैं और सब कॉन्शियसनेस में भी होते हैं, दोनों चीज़ें चल रही होती हैं। तो जो आपके जो पिछले लाइफ्स गुजरी हैं जिस पे काफी लोग काफी रिलीजन्स बिलीव नहीं करते, तो अब उसका मैं कुछ नहीं कर सकती। जो रिलीजन्स बिलीव नहीं करते या करते हैं, जो करते हैं उनको पता है, जो नहीं करते उनको नहीं पता है। तो चूंकि इसका ताल्लुक रिलीजन से नहीं है, इसका ताल्लुक बस है इंसान की स्पिरिट से है। तो इसलिए इसका जानना बहुत जरूरी है कि ये क्या है, क्यों है, किस लिए होता है। तो मैं आपको बहुत सारे अमेरिकन वीडियो दिखा सकती हूँ जो बहुत ही खूबसूरत बने हुए रिग्रेशंस हैं, बहुत ही प्रोफेशनल्स ने किया हुआ है। और इसकी सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि वही कर सकता है इसको जो डॉक्टर हो। तो मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ, मैंने तो कुछ भी नहीं देखा है डॉक्टरी का। इवन मैं तो खुदा का शुक्र है कि मैं हॉस्पिटल्स में भी नहीं जाती, मेडिसिन भी नहीं लेती, ना ब्लड प्रेशर की लेती हूँ, ना कोलेस्ट्रॉल की लेती हूँ, ना वो क्या कहते हैं मीठा मीठा जो क्या, हाँ शुगर ना शुगर की, थैंक गॉड, किसी भी चीज़ की मैं मेडिसिन नहीं लेती। तो आई हैव नो आइडिया कि डॉक्टर नाम की क्या चीज़ है। बट जितना मैं जानती हूँ, मैं हर्ब्स जानती हूँ और रूटीन में मैं हर्ब्स यूज करती हूँ। मीट जो है मैं नहीं खाती, और मीट ना खाने की वजह से आपका बॉडी टेम्परेचर जो है वो काफी कूल डाउन रहता है, आपका ब्रेन जो है वो काफी इंटेलिजेंट होने शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे आप मीट खाते हैं, वो किसी भी किस्म का मीट हो, इट डजन मैटर कि मछली बहुत लाइट होती है और चिकन बहुत ही लाइट होता है, इट डज नॉट लाइक दैट। मीट जब भी आप खा रहे होते हैं तो उसमें आपके जो जो एनिमल जिस वक्त किल कर रहे होते हैं ना, तो हम इंसानों को ऐसा लगता है कि एनिमल को कोई सेंस नहीं है, जबकि कुदरत ने उसको खाना खाने का शोर दिया है और छुपने का और अपनी जान बचाने का शोर बहुत जरूर जरूर दिया है। इसलिए कि ऐसा नहीं करेंगे। इवन आप खटमल को देख लें, कितना छोटा नन्ना सा होता है, इंसानों के साथ रहता है और ना काट पीट के वो छुप जाता है ऐसी जगह पे जहां ढूंढना मुश्किल हो जाता है, और जुए होती है जो इंसान के साथ ब्लड पीती रहती है, फिर उनका पता चल जाता है बिकॉज वो बाइट करती हैं। तो लेकिन जब उनको पकड़ने जाओ तो वो भी इधर उधर 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 जल्दी से भाग जाते हैं। मतलब इतना छोटा जानवर की मैं बात कर रही हूँ। तो मुर्गी तो फिर मुर्गी है, बकरा, बकरे को आपने कभी खेलते हुए देखा है? हाउ दे प्ले जस्ट लाइक द किड्स, अनबिलीवेबल। मेरे मेरी साइड पे बकरों की और क्या नाम है और जानवर की बहुत सारी वीडियोस हैं, सिर्फ इसलिए आपको बताने के लिए कि हर जानवर में कुदरत ने शऊर डाला हुआ है, और थैंक गॉड के शऊर डाला हुआ है। तो बेशऊरे नहीं है, अगर बेशऊरे होते वो और उनको सेंस नहीं होती तो इंसान की बुद्धि तो बिल्कुल ही, कहते हैं ना, मत मारी गई तो मत मर जाती। तो बट स्टिल जब उनको काट रहे होते हैं तो उनको छुरी और अपनी मौत हर जानवर को दिखाई, हर इंसान को और जानवर को सबको सेंस हो जाता है कि दे आर गोइंग टू किल मी। तो उन
जिस वक्त उनको काटने लगते हैं तो उन वो अपने आप को रजिस्ट करते हैं, बचाने की कोशिश करते हैं, और बहुत डर जाते हैं, इतना डर जाते हैं कि पूरी बॉडी उनकी स्ट्रेस में आ जाती है, पूरी बॉडी स्ट्रेस में आ जाती है। तो उसके नाखूनों से लेकर सर के जो या बॉडी पे बाल हैं या जहां कहीं पे भी सारे बाल तक में पोर पोर में उनके खौफ और खौफ हरास फैल जाता है। तो हम लोग तो बड़े मजे से जाके दुकानदार से वो क्या नाम गोश्त लेकर आ जाते हैं, किसी भी किस्म का हो। तो लेकिन हम जो मीट खा रहे होते हैं उसमें सारी हरासमेंट जो होती है वो हमारे पेट के अंदर चली जाती है। तो इसलिए हम लोग अपने फ्यूचर से, अपने बच्चों के फ्यूचर से, लोगों से, इससे उससे बहुत ज्यादा डरने शुरू हो जाते हैं। कल क्या होगा, मेरा क्या होगा, कल क्या होगा मेरा, ये मुझे ना मिला तो क्या होगा, ये वो ना लिया मैंने तो क्या होगा, क्या होगा क्या। वो यही वजह है कि हम लोग गजा गलत खाते हैं जिससे हमारे डर में इजाफा होता है और हम हर चीज में मतलब डर जाते हैं कि कल क्या होगा, मेरा क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा। मैं नहीं ये कहती कि आप मीट खाना छोड़ दें, लेकिन कम जरूर कर दें, क्योंकि मीट आपको जैसे जैसे काऊ मीट है वो तो बिल्कुल ही बीमारी है, लाइक इट्स नो गुड एट ऑल। आप मिल्क लें और उसका घी लें और मतलब कि उसकी जो जरूरी चीजें हैं काटने के अलावा यू कैन यूज दैट। तो बाकी जो जानवर हैं उनको कम से कम खाने की कोशिश करें। हर बाइट में आपको बोटी नहीं चाहिए, हमारे यहाँ तो रोटी बोटी की बारिश होती है हमारी कंट्रीज में तो, और फिर उतनी ही हमें खौफ हिरास की बारिश भी होती है। हम लोग जालस हो जाते, डरने की वजह से जालस हो जाते हैं। अगर हमारे अंदर खौफ ना हो तो हम जल भी नहीं सकते, हम में किसी चीज की कमी नहीं आ सकती, क्योंकि हम जो है एक मेन चीज से मतलब खौफ ही नहीं खा रहे हैं। जब खौफ नहीं खाएंगे तो जलन कैसे होगी। तो इसीलिए हम लोगों की चीजें देखकर जल जाते हैं, क्योंकि हम में खुद में बहुत ज्यादा वो होता है, कॉम्प्लेक्स आ जाता है। और यही वजह है, खुराक इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट हमारी बॉडी के लिए, हमारे ब्रेन के लिए। जो हम खा रहे होते हैं वो बहुत ही मायने रखती है, उसको बहुत ध्यान से खाना चाहिए। अगर आपको अपना कैरेक्टर और अपना फ्यूचर बेहतरीन बनाना है तो यू हैव टू ईट गुड, और कोशिश करें कि जालिम ना हो आप, अपने लिए ना जी रहे हो, आप इर्द गिर्द सबका ख्याल रखें, सबको ऐसी नजर से देखें जो आप अपने लिए देख रहे होते हैं। ये तो हर रिलीजन में सिखाया भी जाता है कि जो आप अपने लिए खरीद रहे हो तो अगर किसी को जकात ये वो या जो भी देना है वैसा दो जो आप पहनते हो, ठीक है। तो ये करने से आपको बहुत फायदा होने वाला है, खौफ जाता रहेगा, डर जाता रहेगा, देने में बहुत बरकत है, बहुत ज्यादा बरकत है, क्योंकि आपका दिल कुशादा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, एंड यू फील समथिंग लाइक कि गॉड ने आपको दिया, आपने गॉड की हरकत करी और आपने गॉड ने आपको इतना दिया और आपने भी इतना ही जी भर के दे दिया, तो ये गॉड की हरकत हो गई ना, कि तो गॉड चाहता है कि मैं सबको दूँ, सबके लिए मैं ये करूँ, मैं वो करूँ। तो जो आप गॉड की हरकतें करेंगे तो ऑफ कोर्स आपकी एनर्जी और आपका कॉन्फिडेंस और आपकी रिस्पेक्ट और अंदर जो मुतमईन होता है इंसान और अंदर जो जो खालीपन होता है वो भर जाता है। इट्स लाइक अमेजिंग, गॉर्जियस, ब्यूटीफुल, अनबिलीवेबल। तो मैं चाहूंगी कि मेरे मेरे ये चुभ रहा है मुझे, आज मैंने पता नहीं गुच्छा सा बना दिया बालों का, और मैं नहीं चाह रही कि ये गुच्छा जो है वो गुच्छा रहे। तो मुझे एक सेकंड के लिए मैं, तो जनाब मैंने अपना गुच्छा ठीक किया और अब
मुझे किसी ने पूछा रिग्रेशन के बारे में कि भाई रिग्रेशन क्या होता है। रिग्रेशन एक्चुअली बिलीव करना या ना करना, इट्स अप टू यू गाइस। आई डोंट वांट टू फोर्स यू, आई डोंट वांट टू टेल यू नहीं ऐसा नहीं ऐसा होता है। जस्ट मैं तो आपको सिर्फ इतना ही कहूँगी कि आप एक्सपेरिमेंट करें, क्योंकि सून आई एम गोना कम बैक टू होम और मैं रिग्रेशन कर सकती हूँ और खुद आप इसको एक्सपीरियंस करें। इसका तरीका कार ये है कि मैं 21,000 जो है वो सांसों को तेज और लंबा और मीडियम, मतलब लंबी, एक ये सांस है, एक है, ये दूसरी सांस है, और तीसरी सांस इस टाइप की, मतलब तीन सांसें हैं जो 21,000 एटलीस्ट करनी पड़ती हैं, जो कि ऑलमोस्ट 27 मिनट या 30 मिनट्स में डन होती है। उसमें बीच में थोड़ी सी यहाँ से पकड़ना पड़ता है, स्टमक से पकड़ना पड़ता है, थोड़े हाथ यूं करके पीछे रखने, यूं करके सांसें लेनी होती है। लेकिन वो तो ये जो पीरियड है वो शुरू का है, फिर उसके बाद मैं आराम से कहती हूँ कि आप बैठ जाओ। तो फिर उसके बाद बिठाने के बाद मैं कहती हूँ कि भाई अब आप अपने सांस पे कंसंट्रेट करें। फिर वो सांस पे कंसंट्रेट करते हैं, फिर वो गिनती शुरू हो जाती है 21,000 की, और उसमें मतलब कि बंदे की पोर पोर जो है, पूरी चीक्स जो है वो गड़गड़ाने लग जाती हैं। आपको एक एक वेन जो है हमारे जिस्म, हमारे ब्रेन से शुरू होती है और पूरे बॉडी, मतलब अगर जैसे कि बहुत ही अच्छी तरह से कोई सांस ले रहा है तो दे कैन फील कि पूरे जितनी जहां जहां हमारी सर से लेके पांव तक वेन्स जा रही हैं गले से, तो यहाँ से मतलब सारी घूमती। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे घूमेगा आपके इस सेंटर में जो लिप है, इसके अंदर एक वेन है, ठक 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 चलने शुरू हो जाती है, और वो आपके दिल की धड़कन को बताती है। मतलब हम इतनी नॉनसेंस, मतलब सेंसलेस लाइफ गुजारते हैं कि हमें जो हमारे साथ वर्क कर रही हैं चीजें 24/7, जो रुकती नहीं है, और अगर रुक जाए तो जाहिर सी बात है हम लोग ट्रबल में आ जाएंगे, भागेंगे हॉस्पिटल। तो वो हम उसी को तेज करने के लिए और उसी को मेंटेन रखने के लिए ये सांसों को करते हैं, ताकि आपकी हेल्थ जो है वो एकदम परफेक्ट हो, आपकी लुक जो हो वो एकदम परफेक्ट हो, आप अच्छा सोचें, आप बेहतरीन सोचें, आपको सोचते हुए दो दो तीन तीन चार सोचें ना आए। आप मतलब जब भी सोचें और किसी जगह पे आप फैसला कर सकें और एग्जैक्ट और राइट फैसला कर सकें, ये उस चीज के लिए होता है रिग्रेशन। इसके बाद आता है, कुछ लोग बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, वो उनको लाइक 10 मिनट्स की सांसें काफी रहती है, 10 मिनट, 5 मिनट्स, या थोड़ा थोड़ा गोल गोल दायरा घुमा दो तो हिप्नोटाइज हो जाते हैं वो लोग। लेकिन ये अगर हम सांस के साथ जाते हैं तो यू विल गो रियली वेरी वेरी डीप इन देयर, तो देन यू कैन सी जो वो बच्चे बोल रहे थे और आपने देखा होगा, और अगर नहीं देखा जिसने भी तो प्लीज देखें और मुझे बताएं कि क्या है, आपको कैसा लग रहा है और क्यों लग रहा है। कई लोगों ने को बड़ी परेशानी हुई है एक्चुअली, वो बहुत सारे लाइफ्स होती हैं और वो होती हैं, मैं उस पर आपसे बहस नहीं करूंगी। आप बस इतना ही मैंने पहले भी बोला था कि आप तजर्बा करें, अगर आपको खुद को दिखाई देती है तो आप हाँ करें, ना दिखाई दे तो आप ना करें कि नहीं है, हम लोग उस बात पे बहस नहीं करेंगे, ठीक है। मुझे किसी को भी नीचे ऊपर नहीं दिखाना, बिकॉज हम जिस चीज के साथ पैदा हुए हैं, हमारे डीएनए के अंदर हमारी, अगर कंप्यूटर, अगर इंसान कंप्यूटर में चिप डाल के तमाम इंफॉर्मेशन और सारी चिप के अंदर इतनी सी चिप होती है और इतनी सारी उसके अंदर करोड़ों किस्म की इंफॉर्मेशन होती हैं, तो खुदा नहीं कर सकता। हमारे ब्लड के जो रेड सेल्स होते हैं उसके अंदर डीएनए, डीएनए के अंदर वो मतलब डीएनए भी होता है और वो पूरी मेमोरी कार्ड होता है उसके अंदर,
वो आप जब तहकीकात करेंगे, उसको फाइंड आउट करेंगे, तो फिर आपको पता चलेगा ये बहुत ही अब बहुत ज्यादा मॉडर्न है अभी। ऐसा नहीं है कि लोगों को पता नहीं है, बस हम लोगों को नहीं पता तो इसका मतलब है कि नहीं है। एक जगह समंदर दूसरों को नजर आ रहा है, मगर आपको, आपने कभी देखा नहीं है, तो आप कैसे कह सकते हो कि वहां समंदर है? हमारे यहाँ तो कराची में समंदर है भाई, और तो कहीं हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम तो सिर्फ वही समंदर देख रहे हैं ना जो हमारे पास, हम दूसरों का समंदर तो देख नहीं रहे। लेकिन आज के दौर में इंटरनेट आपके पास है, तो सारे के सारे समंदर आप बिल्कुल खोज सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं, जिसको इंटरेस्ट होगा और जो चाहता है कि वो ज्ञान हासिल करे। ज्ञान ज्ञान दैट्स कॉल्ड ज्ञान, मतलब कि इसमें आपको स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। आप जब मेडिटेशन करते हैं और इतनी एक्सरसाइजेस करते हैं, तो आपको ऊपर से क्या उतरता है, अनबिलीवेबल। मतलब मैं जो सोचती हूँ वो हो जाता है। मैं तो कुछ ज्यादा मांगती भी नहीं, ज्यादा इस तरह की ख्वाहिश भी नहीं करती कि वो ऐसा हो जाए, वो हो जाए, फलां हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं करती। बस नन्ही सी कोई ख्वाहिश होती है मेरी कि जैसे मुझे एक चीज चाहिए थी और वो नेपाल में थी, तो और नेपाल से अब वो मेरे पास यहाँ पूरे न्यूयॉर्क में नहीं मिल रही है जस्ट। लेकिन मैंने विश की थी कि हाँ आई लाइक दैट, यू नो, मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर मेरे पास भी हो तो मैं कंसंट्रेट कर सकती हूँ उसको चलाते वक्त, और ये वो फला फला फला। अनबिलीवेबल तौर पे वो मेरे पास अचानक आया। मैं आपको दिखाती हूँ, वो ये है, ठीक है? आप कहेंगे कि क्या है, इसको घुमाते हैं यूं करके, और इसके ऊपर जो वर्ड्स लिखे हैं उसके अंदर सारी एनर्जीज हैं। मतलब जब ये घूमेगी तो मेरे कमरे में एनर्जी इकट्ठी होने शुरू हो जाएगी। अच्छा, इसको रखते हैं और आप बस आंखें बंद कर लें और उसको घुमाए जा घुमाए जा घुमाए जा, मतलब घुमाते रहें, और फिर उसको भूल जाएं। सिर्फ आप इसके कोने पे ध्यान रखेंगे, या तो देखें आप या ना देखें। अच्छा, इत्तेफाक से और मुझसे ये खुल गया था, खुला तो अंदर एक कोई इसी टाइप का कुछ पेपर शेपर था। मैंने कहा ये क्या है, तो वो मैंने कहा तो मुझसे खुल गया, तो समहाउ मैंने बड़े ही एहतियात से ये जो है उसको फिर वापस बांधा, और फिर अब मुझे पता लग गया कि इसको उल्टा नहीं करना क्योंकि खुल जाएगा, और अंदर जो भी हमारे टीचर के वर्ड्स हैं वो इधर उधर हो जाएंगे। गो के मुझे ये लैंग्वेज तो नहीं आती, लेकिन ये पता है कि इसके ऊपर जो भी लिखा हुआ है वो एनर्जी गेन करने के लिए है। इसको गोल गोल घुमाएंगे, क्योंकि हमारी जमीन जो है वो गोल गोल घूमती है, तो जब वो गोल गोल घूमती है तो वो एनर्जी इकट्ठी करती है, पूरी कायनात से एनर्जी इकट्ठी करती है। तो उसी बेस पे ये गोल गोल, हम पॉजिटिव एनर्जी गेन करते हैं इसको इस तरह करने से। और अगर इसके ऊपर बहुत ही कमाल की सोच हो अंदर लिखी हुई, देन ऑफ कोर्स वी विल गेट डबल फायदा। तो मेरा कोई नेपाल में नहीं है जानने वाला, बट माय सन ब्रिंग दिस, एंड उसने, जब मैं इतनी खुश हुई थी और मेरे बेटे के दोस्त ने मंगवा के दिया, और फिर मैंने कहा, जब मैं इतनी खुश हो रही थी तो फिर मेरी मेरे बेटे ने वीडियो बना के उसको भेजा, और मैंने उससे कहा कि आई लव यू अम्मा, आई लव यू, तो फिर उसने भी, ही इज अ वेरी क्यूट बॉय, मेरे बेटे का दोस्त है एंड ही इज लाइक माई सन ऑल्सो। तो कहने का मकसद ये है कि जब आप चाहते हैं तो फिर हो भी जाता है, और आपकी सोच नेक, ये तो सभी कहते हैं, आपका दिल साफ, ये भी सब कहते हैं, आपका मिलना सबके साथ खुले दिल से होना चाहिए, ये भी सब कहते हैं, सुना जरूर है, करके कोई नहीं देखता। तो मैं चाहूंगी कि एटलीस्ट इसको करना शुरू
कहते हैं ना हिंदी में, कहते हैं आरंभ करें, तो आरंभ करें कि मैं सारा ज्ञान या तो इंग्लिश में लर्न करती हूँ क्योंकि इंग्लिश में बहुत ज्यादा टीचर्स हैं यहाँ पे, या फिर मैं हिंदी मैंने बड़ी मुश्किल से, जाहिर है उर्दू होती तो मैं मुझे इतनी जल्दी, मुझे इतना टाइम नहीं लगता, मुझे हिंदी के अलावा मुझे संस्कृत भी सीखनी पड़ी क्योंकि मुझे बहुत ही डीपली अंदर जाकर अंडरस्टैंड करना था कि क्यों है, क्या है, क्यों है। तजर्बे के बाद, देखने के बाद मुझे महसूस हुआ, मेरी स्पिरिट ने पहचाना कि नहीं, बताने का तरीका कुछ लोगों का यानी हो गलत जरूर है, वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, 8-10 हाथ लगा दिए, 8-10 सर लगा दिए, दैट्स नॉट रियली अंडरस्टैंडिंग। जब तक कि कोई ज्ञान, कोई टीचर ना हो वहां पे बताने वाला कि इतने सारे सर, इतने सारे हाथ क्या बचा है इन चीजों की। और सबसे पहली चीज जो आपको, जब आपकी तीसरी आंख खुलती है तो आपको बहुत सारी, इतनी सारी आंखें नजर आती हैं, इतनी सारी आंखें नजर आती हैं कि आप सोच ही नहीं सकते। कहते हैं ना खुदा देख रहा है, अगर आपने इसका तजर्बा करना है, खुदा देख रहा है, और कितनी आंखें हैं, करोड़ों, बिलियन, ट्रिलियन आपको दिखाई देंगी वो। ओ माय गॉड, इसलिए अच्छे काम करें, वो हमें हर वक्त, हर लम्हे देख रहा है, करोड़ों आंखों के जरिए हमें, हर बंदे के लिए, हर इंसान, हर जानवर के लिए एक एक आंख बनी हुई है उसकी। इसका तजुर्बा करना है तो जरूर करिए, मैं करवाऊंगी आपको तजुर्बा, प्रैक्टिकली करके देखिएगा कि अल्लाह की कितनी आंखें हैं, ढेर सारी आंखें आपको दिखाई देंगी। एक एक आंख हमारे पास भी है, वही कुदरत की, जो उसने हमें भी दे रखी है कनेक्ट होने के लिए। अब प्रॉब्लम यही है कि हमारे यहाँ बिलीव का सिस्टम नहीं है, बट यू डोंट नीड टू बिलीव, यू डोंट नीड टू बिलीव, डोंट गो एनीवेयर एल्स, जस्ट डू द प्रैक्टिस। लाइक आप अमेरिका आ जाते हैं और यहाँ आके क्रिश्चियनों के साथ, किसी के भी साथ स्टडी करते हैं, कुछ भी स्टडी, भाई क्रिश्चियन कर रहे हैं हम भी करेंगे, वो फलाना आदमी कर रहा है हम भी करेंगे, क्योंकि हमारे मुल्क में जरूरत है, इस नॉलेज की जरूरत है। तब आप सऊदी अरब तो नहीं जाते ना एजुकेशन लेने के लिए, क्योंकि वहां है ही नहीं, एजुकेशन है ही नहीं है। तो ये बस उसी तरह ही है कि इसका किसी भी रिलीजन से कोई ताल्लुक नहीं, कोई वास्ता नहीं है, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं है। बॉडी के अंदर आपकी चीजें हैं, उनको आपने एनालाइज करना है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। कौन क्या कहता है, क्यों कहता है, जस्ट डू डू द एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस करें। और मेरे पास कुछ ऐसी वाइटमिन्स हैं दरख्तों की, जो जिससे मतलब कोई मतलब मैंने वो स्पेशली इस बात के लिए उनको बाय की, और वो बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत, मतलब उसको हासिल करना, उनको पे करना तो चलो समहाउ कर ही लेता है इंसान, बट उनको कहीं इतनी दूर दराज इलाकों में जाके इधर उधर से घूम घाम के, और एग्जैक्टली फाइंड आउट करना मेडिसिन को, और बॉडी को रिलीफ करती है, कैंसर को खत्म करती है, आपके अंदर जितनी भी ईगो भरी हुई है, गुस्सा भरा हुआ है, तकलीफ भरी हुई है, दुख भरा हुआ है, वो मेडिसिन दूर कर देती है। बट इट्स वेरी एक्सपेंसिव, आई कैन डू ओनली 1% और 2% ऑन टीवी टू सी रियली द एग्जैक्ट व्हाट दे गोना से दैट अबाउट दैट, यू नो। तो वो मैं रखा है वो, इसलिए कि मेरी बात डिनाई ना हो, मेरी बात तो है नहीं है, ये तो हमारे जिस्म की बात है, ये हमारे ब्रेन की बात है, हमारी पूरी बॉडी इन्वॉल्व है, हमारी पूरी स्पिरिट इन्वॉल्व है, हम पूरी कायनात इन्वॉल्व है। तो प्लीज रिग्रेशंस में बस यही होता है कि जब आप कॉन्शियस और अनकॉन्शियसनेस, मतलब कॉन्शियस सबकॉन्शियसनेस और कॉन्शियसनेस के सेंटर में होते हैं, तो यू कैन सी अ लॉट ऑफ जन्म। और यही नहीं, आप जब अंदर जाते हो, आपको हम पीछे लेके जाते हैं, और तो आप जो है मतलब ऐसे हो जाते हैं कि
ये मैं खड़ा हूं, इवन आपकी शक्ल डिफरेंट होती है, इवन आपके बाल डिफरेंट होते हैं, इवन आप औरत होते हैं या मर्द होते हैं, इस जन्म में अगर आप मर्द हैं और अगले जन्म पिछले जन्म में आप औरत भी हो सकते हैं, आप मर्द भी हो सकते हैं। अक्सर बेशतर मैंने जब लोगों को देखा है तो वो बचपन में चले जाते हैं, या हम कहते हैं कि थोड़ा यंग एज में जाओ तो वो फिर उसी एज में चले जाते हैं। और इवन हमारी जो स्पिरिट, मैं इतना कुछ बताना चाहती हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा सा ये होता है कि मुझे लोग कहेंगे कि क्या है ये, इसीलिए इसी इसी चीज के लिए, इसी चीज के लिए मैंने वो जो है ऑल्टरनेट रखा हुआ है कि जिस वक्त मुझे डिनाई करेंगे, मेरी बात को इनकार करेंगे, देन आई डू इट द अदर फॉर्मूला, कि लो भाई तुम मेडिटेशन नहीं करना चाहते, तुम प्रैक्टिस नहीं करना चाहते, तुम मेहनत नहीं करना चाहते, तो फिर मुझे 2 दिन चाहिए आपको प्रूफ करने के लिए। एक बंदा चाहिए जो मीट ना खाता हो, अल्कोहल ना पीता हो, झूठ ना बोलता हो, ये बहुत सारी चीजें, एटलीस्ट वो 2 दिन तो नहीं करे, ठीक है, उसकी बॉडी नीट करके, क्योंकि ये बहुत ही स्पिरिचुअल है, वी आर गोइंग टू कनेक्ट टू द गॉड, यू नो। तो जनाब हम 2 दिन लेंगे, या हो सकता है कि पूरे 12 घंटे ले लें एक दिन के, तो जो भी रेडी होगा इसके लिए हम टीवी पे दिखाएंगे, और ये मेडिसिन ऐसे बीमारों को देनी शुरू करेंगे, मंगवाएंगे हम दूर से। और मैं ये बिजनेस नहीं करना चाहती, बिकॉज दैट्स नॉट माय बिजनेस, मैं आई जस्ट वांटेड टू एक्सप्लेन कि कहाँ जाना है, क्या करना है, किस तरह से मंगवाना है, दे कैन डू इट, और अगर नहीं वो कर सके, बिकॉज इट्स रियली हार्ड फॉर मी टू कैप्चर दैट स्टफ, तो मैं हेल्प कर सकती हूँ उस मामले में, बट दैट्स नॉट माई बिजनेस, बट आई वॉन्टेड टू हेल्प। मेरी जो अपनी जो काम जो मैंने चूज किया है, वो ये चूज किया है कि मैं नॉलेज दू, और आप लोग ढूंढे कि मैं झूठ बोल रही हूँ या सच बोल रही हूँ, आया ये गलत है या सही, एंड आई एम द फर्स्ट वन इन पाकिस्तान हु इज गोइंग टू डू दैट, एंड आई डोंट वॉन्ट टू बी प्राउड, बट आई वॉन्ट टू बी प्राउड ऑन माई सेल्फ के कुदरत ने ये चांस मुझे दिया, ये उसकी मेहरबानी है, उसका करम है जिसने मुझ पर करम किया, वरना मैं बेचारी क्या कर लेती, नहीं मैं कुछ भी नहीं, मैं तो हूं ही नहीं ना, दिस इज नॉट, दिस इज द बॉडी, मुझे ये बॉडी छोड़नी है और मुझे आगे जाना है, और फिर आना है अपनी गलतियों को ठीक करने, फिर आना है, फिर थोड़ी सी गलतियां फिर करूंगी, फिर कुछ ज्यादा अच्छा काम करूंगी, थोड़ी सी गलतियां करूंगी, तो वो मैं अपना क्रेडिट थोड़ा बढ़ा, थोड़ा थोड़ा बढ़ाते 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 एक दिन मैं आसमानों में रहना वापस शुरू कर दूंगी जहां से मैं आई हूँ, क्योंकि हम आसमान के ही लोग हैं, आई मीन खुदा के ही वो हैं जर्रे, जो पूरी कायनात में, हम प्लेनेट भी हैं, हम इंसान भी हैं, हम स्पिरिट भी हैं, हम चांद भी हैं, हम सितारे भी हैं, हम सूरज भी हैं, हम सब कुछ हैं, ये सब कुछ एक दूसरे के लिए बना हुआ है, तो कुछ भी जाने वाला नहीं है। हम कई रिलीजन्स में सिखाया जाता है जी, हम उठेंगे जब होगा, यानी इन्होंने कहा कि स्पिरिट नहीं मरती, हम इस बॉडी में उठेंगे, किस बॉडी में उठेंगे, इट डजेंट मैटर, हम उठेंगे, हमारी स्पिरिट जो है वो तो मरती ही नहीं है, किसी भी रिलीजन में नहीं कहा कि स्पिरिट मरती है, इट मीन्स कि कहीं कुछ थोड़ा सा घुमा हुआ है, हो सकता है यहूदियों ने घुमा दिया हो हमारे दिमागों में, पता नहीं 1400 साल तो हो गए, मैं तो फिलहाल अच्छा, मैं जो कोशिश कर रही हूँ वो ये है कि रिग्रेशन का फायदा क्या है और ये क्यों करना चाहिए। रिग्रेशन इसलिए करना चाहिए कि आप, अगर आपके अंदर बहुत गुस्सा है और आप किसी को माफ नहीं करते, या आपको बहुत तकलीफ है, आप बहुत दुखी हैं, तो आप जब रिग्रेशन से उठेंगे वापस, तो आप हैरान होंगे कि आपके पूरे जिस्म से को मनो तनो वजन जो है वो कम खत्म हो गया, सुबह आपकी सुबह होगी,
वजन नहीं होगा आपके ब्रेन पे, आपको पता भी नहीं होगा कि हुआ क्या है मेरे साथ। रिग्रेशन का ये फायदा है, आपकी 10,000 बीमारियां खत्म होती हैं इससे। क्योंकि हम जब हम इस जन्म में अच्छा कर्म नहीं करते तो फिर इस हम अपने क्रेडिट जो हमारे डीएनए के अंदर जो वो खून ब्लड रेड सेल के अंदर जो चिप लगी वहां पे डाल देते हैं। तो जब हम दोबारा पैदा होते तो वो चिप साथ ही आती है, हमारी कॉन्शियसनेस के साथ आती है। वो के थोड़ा सा मुश्किल है समझाना, बट अगर आप साइंस पढ़ें तो मेरी बात समझ आ सकती है। जो मैं बोल रही हूँ इस वक्त, जो डॉक्टर्स बोल रहे हैं, साइंटिस्ट बोल रहे हैं, मैं वही बोल रही हूँ। मैं ख्याली पलाव या अपने तौर पे बात नहीं कर रही हूँ। मैंने भी सीखा है, मैंने भी लर्न किया, बट आई अंडरस्टैंड, यू नो। मेरे लिए इसलिए अंडरस्टैंड करना थोड़ा इजी था कि मैं एक दड़बे लाइफ टाइप में नहीं थी। मैं ज्यादातर और ज्यादातर अपनी कम्युनिटी के साथ नहीं थी। अगर मैं अपनी कम्युनिटी के साथ होती तो मेरा माइंड जो था वो बहुत ही गुथा हुआ, बंधा हुआ, बहुत ही रिलीजियस और स्टफ लाइक दैट। वो एक रिलीजन का, रिलीजियस होने का एक ठप्पा टाइप नहीं होता, बस वो होता, ओपन नहीं होता, कायनात नहीं होती, एक लिमिटेड सोच होती कि मैं मुझे जन्नत में ये मिलेगी, मुझे दोजख मिलेगी, मुझे ये मिलेगा, ऐसा मैं सोचती रहती। ठीक है, अमल अच्छे करो और दिल में गुस्सा होता या मुझे दुख होता, तो दुख मेरा कौन दर्द दूर मेरा कौन करता, मेरा दुख दर्द कौन दूर करता, वो तो मैं उसी के साथ ही मर जाती। इसलिए मुझे कुदरत ने इतना बड़ा नॉलेज दे दिया जिसके साथ हम पैदा हुए हैं, जो हमारा शुरू से था और हमेशा ही रहेगा। तो बस हम हमें पता होना चाहिए कि क्या है। और मजे की बात यह है कि कोई भी पूरा मेरा सेशन नहीं देखता क्योंकि उनको समझ नहीं आता। मुझे नहीं पता कि मैंने कैसे समझाना है, मैंने क्या करना है, बट मैं कोशिश बहुत कर रही हूँ। और मेरी विश है कि वो मालिक जो ऊपर बैठा है, अगर उसने मेरी ड्यूटी लगाई है तो वो पूरा भी करेगा। और कई लोगों की बात, कई लोगों के दिमाग में ये बात बैठेगी भी और कई लोग इस पे अमल भी करेंगे। मैं ऐसे खाली हाथ नहीं आऊंगी, और गो के मैं बहुत लिमिटेड टाइम के लिए जा रही हूँ, बट मैं बहुत सारे लोगों को इंशाल्लाह ताला मैं हेल्प करूंगी, हेल्थ में हेल्प करूंगी, मेंटली जो बहुत ही ज्यादा दुखी हैं, तकलीफ में हैं। मतलब दुख को दूर कैसे करना है, दुख से बाहर कैसे आना है, वो मैंने सिखाना है आप लोगों को कि दुख से बाहर कैसे आते हैं। बहुत आसान है, बहुत आसान है। शुरू में 1-2 महीने आप लोगों को बहुत मुश्किल लगेगा, प्रैक्टिस करनी मुश्किल, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस नहीं कराएगी ना कि दुख से बाहर कैसे। हमें कहते हैं सब्र करो, जो भी होगा अच्छा ही होगा। ठीक है, ये वर्ड्स हैं, लेकिन प्रैक्टिकली क्या ये वर्ड्स किसी किसी के दिमाग पे काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जब तक कि हम हमें प्रैक्टिस ना करवाई जाए कि दुख आपको आ गया है तो अब आपने करना क्या है, करना क्या है, किस तरह से इससे दूर होना है, इस नेगेटिव एनर्जी से। हम जिंदा हैं, हमारे हाथ में एक बैग है और 10,000 प्रॉब्लम्स है उसके अंदर, और हमें वो प्रॉब्लम्स को डील करना है। अब उसमें ऊंच नीच तो होनी है, अब जब होगी तो आपने एनर्जी कैसे यूज करनी है अपनी, और कैसे अपने आप को संभालना है कि हाँ ये तो होना है और ये हो गया। जानती हूं कि एक मौत जो है बहुत वीक पॉइंट है इंसान का, कोई किसी का करीबी मर जाता है तो वो तकलीफ बहुत ज्यादा, लेकिन उससे भी निकला जा सकता है, उसके भी बहुत सारे खूबसूरत तरीके हैं। क्योंकि हम लोग मरते तो है नहीं है ना, ये प्लेनेट मरते हैं, कुछ भी नहीं मरता, हम वापस आते हैं, हमारी स्पिरिट ही नहीं मरती। अच्छा चलो, आपके हिसाब से अगर मर भी गए तो करोड़ों साल बाद दोबारा, या जब कयामत आएगी उस वक्त पैदा होंगे तो सही ना, सिंपल सी बात है, हिसाब किताब तो ऊपर होना है ना। और अगर आप समझते हो कि आप एक लाइफ, तो एटलीस्ट ये लाइफ अच्छी गुजरनी चाहिए। आप एक लाइफ समझ के आप अपनी मर्जी की लाइफ नहीं गुजार सकते। हमें हिसाब किताब देना ही देना है, हमें हिसाब किताब इतने साफ सुथरे और पवित्र रखने चाहिए ताकि क्रेडिट जो है हमारा, हमारा बैंक बैलेंस जो है कुदरत के पास, वो बराबर से बनता रहे
और हम आने वाली जिंदगी में इंतहाई सुख भरी जिंदगी गुजारें, और उस सुख भरी जिंदगी में भी आप अच्छे ही अमल करें ताकि फिर अगली लाइफ में आपको क्रेडिट मिले। इस तरह करते 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 आप आसमान में रह जाएंगे एक वक्त में अल्लाह के पास, और इससे खूबसूरत लाइफ तो फिर वो हो ही नहीं सकती जो आसमानों में वो क्या कहते परियां हैं या देवता हैं, देव हैं, और उन जैसी लाइफ हम क्यों ना गुजारें। मैंने जब अपना रिग्रेशन किया था तो आई डेंट बिलीव दैट, 35 मिनट्स की हो गई मेरी वीडियो, तो आई डेंट बिलीव, बिकॉज हाउ कुड आई बिलीव। मुझे नजर आया, बहुत कुछ दिखाई दिया, बट जब मैं उठी और मैंने कहा कि तो मेरा ख्याली पलाव था, ऑफ कोर्स आई विल थिंक लाइक दैट, बिकॉज नो बडी टीच मी फ्रॉम द बिगिनिंग। जब बिगिनिंग में हमें कुछ सिखाया ही नहीं गया तो हम उस चीज को कैसे बिलीव करें। आप हक बजाने पर, या जो जिसको नहीं समझ आ रहा वो भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं अपना पर्सनल तजर्बे की बेस पे आपको ये कह रही हूँ कि जब मैंने बिलीव नहीं किया तो उसमें फिर मैंने सोचा कि लोगों को तो दिखाई देता है तो मुझे क्यों बिलीव नहीं हो रहा। ये सारे लोग जो हैं जाते हैं अपने डीप उसमें चले जाते हैं, हिप्नोटाइज कर देते हैं और डीप उसमें जाके बिल्कुल कॉन्शियसनेस में पहुंच जाते हैं, और फिर जो बोलना शुरू करते हैं जो भी उनको नजर आते हैं वो बोलते चले जाते हैं, बोलते चलते काफी लाउड आवाज में बोलते हैं। मैं बहुत सारी वीडियोस आपको दिखाऊंगी, जो भी बोलेगा मैं आपको हिंदी में, इंग्लिश में और बहुत सारी जबानों में, डॉक्टर्स हैं इसके और रिग्रेशंस करने वाले हैं, तो मैं इसलिए कर सकती हूँ कि मैं मेडिटेट करती हूँ, मैं एक्सरसाइजेस करती हूँ, मैं ब्रेथ पे काम करती हूँ, तो इसलिए जो थोड़ी पावर्स आती हैं उस पावर्स की बेस पे मैं कर सकती हूँ, और टेक्निक्स होती हैं इसकी, और मतलब जाहिर सी बात है मेरा पर्पस है कि मैं लोगों को हील करूँ, तो जाहिर सी बात है मुझे तो सीखना पड़ेगा ना। तो मैंने 4 साल हो गए हैं सीखते हुए, तो ऑफ कोर्स आई एम रेडी नाउ। मैं मतलब अभी और क्लासेस करनी है मुझे जाके, जब मैं पाकिस्तान आऊंगी तो मुझे अपग्रेड करना है अपने आप को, तो उसके लिए मैं कोशिश करूंगी कि मैं नेपाल जाऊं या फिर मैं तिब्बत जाऊं, तो आई डोंट नो वेयर आई एम गोना गो, इट्स डिपेंड ऑन टाइम, क्योंकि मुझे वापस भी आना है यहाँ पे, और मुझे आप लोगों से भी बहुत सारी बातें करनी है, और कई लोगों को प्रैक्टिकली हील भी करना है, और कई लोगों को सिखाना भी है। मैं मोस्ट चाहती हूँ कि सीख लें लोग और हील करना सीख लें, हाथों से कैसे हील करते हैं, हाथों में कितनी एनर्जी। मैं जब भी मतलब बात कर रही होती हूँ मैं बहुत ज्यादा मेरी हीटअप हो जाती हूँ मैं, और वो पूरी एनर्जी मेरी जो है मुझे फील होनी शुरू हो जाती है, तो ये चीजें मैं सिखाना चाहती हूँ कि ये हम इसके साथ पैदा हुए हैं, ये कोई हमें स्कूल नहीं जाना पड़ना इसके लिए, हमें घर में ही करना है। घर नहीं कर रहे तो एटलीस्ट कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे 8-10 लोग हों और सिर्फ यही कर रहे हों, और साथ साथ आपने नेक अमल भी करने हैं, आपको झूठ नहीं बोलना, आपको बददियानती नहीं करनी, अपने स्पिरिट को बिल्कुल पाकिजगी के साथ रखना है। मतलब जैसे बच्चा पैदा होता है वो कितना पाकीज़ा होता है, बस वैसा उसी तरह खुश भी रहना है, छोटी छोटी बातों पे मुस्कुराना है, खुश होना है। मतलब बच्चे कितनी छोटी चीजों पे खुश हो जाते हैं, तो हम क्यों नहीं हो सकते। हम बड़े हो गए, हमें बड़ी गाड़ी चाहिए, हमें बड़ा बंगला चाहिए, हमें बड़ा यू नो, क्यों नहीं नहीं चाहिए भाई। खुली जमीन हो, खूबसूरत पौधे हो और झरने हो, फूल हो, बहुत खूबसूरत बाग हो, टीचर्स हो जो हमें हर वक्त ब्लेस करते रहे, यू नो, और पेरेंट्स हो हमारे, साफ सुथरा पानी हो झीलों से निकलता हो, इससे खूबसूरत जन्नत क्या होगी। बस ये हमारे पास है जमीन के ऊपर सब कुछ है, सिर्फ पहचानने की देर है कि हमें हमें ये लेना कैसे। हमें बड़ा 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 नहीं चाहिए, हमें सिर्फ अच्छा साफ सुथरा बेहतरीन
बेहतरीन हेल्थी फूड चाहिए, सादा बिल्कुल, जो हमें अर्थ देती है, जो जमीन से निकलता है, साफ सुथरा और एनर्जेटिक। हमारी माँ भी खुश, हम भी, हमारी हमारा जिस्म खुश तो हमारी माँ भी खुश। हमारी माँ यही तो है जो हमें हर वक्त फ्रूट देती है, गेहूँ देती है, दालें देती है और सब्जियां देती है। कितना कुछ देती है, फूलों में इतना कुछ। अरके गुलाब में स्किन पे लगाओ तो ये हो जाता है, फलाना गुलाब ये, फलाना फूल ये, फूल वो डाली, ये कितनी सारी मेडिसिन्स हैं। थैंक्स टू मॉम, थैंक्स टू मॉम, आई लव माई मॉम, आई लव माई मॉम। अर्थ, अर्थ पूरी दुनिया में जो पूरी की पूरी है ना, ऐसे घूमती हुई। आई लव माई मॉम, यू शुड लव योर मॉम प्लीज। चले, बहुत सारी बातें हो गई हैं, मेरा पूरा तो नहीं हुआ, लेकिन चलो, और जितनी भी मैं कोशिश कर सकी हूँ बताने की, रिग्रेशन क्यों करना चाहिए, किस लिए करना चाहिए, मैं एक छोटा सा और वीडियो करती हूँ इसके फौरन बाद, ताकि बहुत ही लिमिटेड सी फेसबुक पर मैं डाल सकूँ और समझ सकें लोग। ठीक है, तो मिलती हूँ ब्रेक श्रेक के बाद। ठीक है।